अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैक एंड एसोसिएट के यूट्यूब चैनल से एक बार फिर आपको मैं आबिद कयूम एडवोकेट का दाबर्स है। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं उसे बहुत सारे पाकिस्तानियों को वास्ता पड़ता है जो पाकिस्तान में भी मौजूद हैं और जो मोस्टली ओवरसीज़ हमारे भाई काम कर रहे हैं या रेजिडेंट हैं, उनको इससे तो अक्सर ही वास्ता पड़ता रहता है। तो आज के इस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं पावर ऑफ अटर्नी। पावर ऑफ अटर्नी क्या होता है, इसके कंटेंट्स क्या होते हैं, ये किस लिए दिया जाता है, किसको दिया जाता है, क्यों कर दिया जाता है, कास्ट कितनी आती है, लिमिटेशंस क्या हैं, काइंड्स कितनी हैं, और इन जैसे बहुत से क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं कि पावर ऑफ अटर्नी के फंक्शंस क्या होते हैं, ये क्या डॉक्यूमेंट है, इसकी आपको क्यों ज़रूरत पड़ती है और ये क्यों कर देना चाहिए। व्यूअर्स, नॉर्मली होता इस तरह से है कि बासकत हम अपने लीगल जो इश्यूज हैं या जो लीगल मैटर्स हैं उनकी परसुएशन के लिए खुद से अवेलेबल नहीं होते हैं, मतलब इन पर्सन किसी कोर्ट पे या किसी लीगल फोरम पे या किसी ऑफिस में हम उससे नहीं जा पाते। तो उस सिचुएशन में आप किसी को ऑथराइज करते हैं। ये बेसिकली कंसेप्ट जो इसका है वो अथॉरिटी लेटर से निकला हुआ है, बट चूँकि एक प्योरली इट्स अ प्योर लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड इट डील अंडर दी पावर ऑफ अटर्नी एक्ट 1882 जो पाकिस्तान में एम्पावर्ड है अभी तक विद फ्यू अमेंडमेंट्स, उसके अंडर ये जो डॉक्यूमेंट ट्रीट किए जाते हैं और उसी के अंडर जो हमारी कोर्ट्स हैं वो भी इनको ट्रीट करती हैं। तो अब इसमें सवाल, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि बहुत सारे हैं, लेकिन हम उसमें से मोस्टली वो सवाल कवर करेंगे जो एवरीडे हमें इस डॉक्यूमेंट को इन्हें ड्राफ्ट करते वक्त या क्लाइंट को सजेस्ट करते वक्त या वो जब इसको बनाना चाह रहे होते हैं, ड्राफ्ट करवाना चाह रहे होते हैं, उनके माइंड में होते हैं, वो हमसे पूछ लेते हैं कि ये जनरल पावर ऑफ अटर्नी क्या है और स्पेशल क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी काइंड से कि पावर ऑफ अटर्नी की काइंड्स क्या होती हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ये, जैसे आपको ये बताया कि ये इसका कंसेप्ट जो है वो यानी जैसे कि इसके इंट्रोडक्शन में कि ये होता है इसलिए कि अगर आप खुद से अवेलेबल नहीं है किसी एक फोरम पर जाने के लिए, लेट्स से आपका कोई आप ओवरसीज़ हैं, आप यूएस है या यूके या किसी भी ऐसे मुल्क में वो बैठे हैं जो जहाँ से आपका आना मुमकिन नहीं है, तो आप ये कहते हैं कि भाई हम तो नहीं जा सकते लेकिन हमें अब इस काम को करना तो है, ये भी पाकिस्तान में जो हमारा मैटर पेंडिंग है उसको परसू भी करना है। तो अब उसके लिए फिर लॉ आपको एक फैसिलिटी देता है कि आप किसी को ऑथोराइज कर दीजिए, और जब आप इसको वो प्रॉपरली ऑथोराइज करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट पावर ऑफ अटर्नी कहलाता है। तो ये तो इसका कंसेप्ट हो गया। अब पावर ऑफ अटर्नी की इकसाम क्या है वो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि पावर ऑफ अटर्नी नॉर्मली जो एवरीडे जो यूज़ होते हैं वो दो तरह के हैं, एक होता है स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी और एक होता है जनरल पावर ऑफ अटर्नी। अब इन दोनों का एक मेजर डिफरेंस है, नॉर्मली आम जुबान में तो इनको हम मुख्तारनामा या पावर ऑफ अटर्नी ही कहे जाते हैं, लेकिन ये मुख्तारनामा खास और आम में बहुत मेजर डिफरेंस है, और वो ये है कि आप जब स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी ड्रॉ करते हैं या वो किसी को देते हैं तो उसमें सिर्फ एक लिमिटेड से अख्तियार दिए जाते हैं, इसीलिए स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी को लिमिटेड पावर ऑफ अटर्नी भी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इसमें आपकी दी हुई जो पावर्स हैं वो लिमिट करती है, उसका एक स्फेयर होता है, जो इसमें अटर्नी होल्डर होता है वो उससे बियॉन्ड वर्क नहीं कर सकता या उससे बियॉन्ड उसकी पावर्स कंसिडर नहीं की जाती। लेट्स से कि आप जो है वो आप कहीं अमेरिका में रेजिडेंट हैं और आपके अगेंस्ट कोई केस आ गया, या फिर आप इवन पाकिस्तान में हैं लेकिन आप बीमार हैं, सिक हैं, बेड रेस्ट पे हैं, तो आप वो केस परसू नहीं कर सकते, या फिर आप कोई ऐसी पर्दा नशीन हतून है कि आप कोर्ट में नहीं जाना चाहती
तो उस सूरत में आप किसी को जो पावर ऑफ अटर्नी देंगे अपने केस की पैरवी के लिए, तो वो स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी कहलाएगा। तो जो दूसरा जनरल पावर ऑफ अटर्नी है, जनरल पावर ऑफ अटर्नी में आप एक स्कोप उसका ज़रा वाइड कह सकते हैं कि उसमें आप नॉर्मली राइट्स दे देते हैं आपकी प्रॉपर्टी को सेल करने के, तो जो कि एक बहुत बड़ा राइट है कि आपकी प्रॉपर्टी कोई दूसरा इंसान सेल भी कर सकता है जिसको आपने अटर्नी बनाया होता है। इसमें नॉर्मली दो पार्टीज होती हैं, एक जो बंदा इसको ड्रा करवा रहा होता है यानी जो इसका मतलब बनाने वाला या तफवीज़ करने वाला होता है जिसको हम एग्जीक्यूटेंट कहते हैं या उसे प्रिंसिपल भी कहा जाता है, एग्जीक्यूटेंट और प्रिंसिपल, और जो ये डेपोनेंट भी कहलाता है वो कुछ सूरतों में, लेकिन जिसको आप दे रहे होते हैं ये अख्तियार, जिसको ये सारी पावर्स आप दे रहे होते हैं कि भाई मेरे बिहाफ पे यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स ऑन माय बिहाफ, वो अटर्नी होल्डर कहलाता है या स्पेशल अटर्नी कहलाता है अगर आप स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी बना रहे हैं, और अगर आप जनरल पावर ऑफ अटर्नी दे रहे हैं तो फिर उस सूरत में ही विल बी कॉल्ड जनरल अटर्नी। तो ये उसके लिए एक वर्ड तफवीज़ किया जाता है, तो आप जो देने वाले हैं वो एग्जीक्यूटेंट आपको कहा जाएगा। तो एग्जीक्यूटेंट जो जब स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी देता है तो वो नॉर्मली कोर्ट केसेस की पैरवी के लिए होता है। वो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान से भी हो सकता है और आप बाहर से भी दे सकते हैं, और जबकि जो जनरल पावर ऑफ अटर्नी होता है वो आप एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए, जिसमें मोस्टली ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होती है कि जो आपका जनरल अटर्नी है इज़ ऑथराइज टू सेल योर प्रॉपर्टी, योर प्लॉट, योर विला और वट एवर प्रीमिसेस यू होल्ड इन दी टाइटल डॉक्यूमेंट्स, तो वो इस तरह का इख्तियार रखता है कि वो आपकी एब्सेंस में जो प्रॉपर्टी है वो सेल कर सकता है या फिर उसको आगे किसी दूसरे बंदे को दे सकता है, उसके ऊपर लोन ले सकता है, उसको मॉर्गेज कर सकता है, उसको ट्रांसफ़र कर सकता है, उसकी एक्सचेंज कर सकता है, ऐसे बहुत ज़्यादा राइट्स जो है वो उसको जनरल पावर ऑफ अटर्नी में मिले होते हैं, और अगर इसका मिसयूज़ हो इसका गलत यूज़ हो तो आपको आपकी प्रॉपर्टी से भी हाथ धोने पड़ सकते हैं। इसलिए बी केयरफुल, हमेशा जनरल पावर ऑफ अटर्नी देते हुए आप एहतियात से काम लें, और ये एक बड़ा सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट्स में सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट इसी के ऊपर अराइज होते हैं जनरल पावर ऑफ अटर्नी पे, कि बाज़ का हम देखते हैं कि वो एक बंदा कहता है जी कि मैंने तो ये फ़लाँ को दिया था या फ़लाँ अर्से के लिए दिया था, तो इस ये मेरी प्रॉपर्टी तो इस पीरियड में सेल ही नहीं हुई, या इस तरह के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं कि वो मिसयूज़ हो जाता है। तो इसमें आप बहुत केयरफुल रहें, और जैसे वो आपका असाइनमेंट हो जाए तो कोशिश करें इसको रिवोक कर दें, वो एक अलग से मामला है। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर ये बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो पाए तो इसी वीडियो में इसकी रेवोकेशन का प्रोसेस भी बता दूँ, लेकिन रेवोकेशन से पहले अभी मैं इसकी काइंड्स के बाद आता हूँ इसकी रजिस्ट्रेशन के ऊपर कि ये रजिस्टर कहाँ पर होता है और क्या इसको रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी है। नॉर्मली जो आप स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी यानी देते हैं, अगर तो आप विद इन अ पाकिस्तान हैं और पाकिस्तान से रह के ही किसी को दे रहे हैं, तो उस सूरत में इसको कहीं पे रजिस्टर्ड करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब हम 3-4-5 लोग हैं, हम किसी एक पार्टी को देते हैं कि भाई ये मतलब हम पंजाब में रह रहे हैं या ये मतलब सिंध में है, ये मतलब पंजाब में किसी दूर का शहर है तो वहाँ किसी काम की वो परसुएशन या किसी पेंडिंग केस या में आप उन्होंने अपीयर होना है, तो आप कहते हैं कि हम सब अपीयर होने के बजाय एक बंदे की इनमें से एक को जो है वो पावर ऑफ अटर्नी दे देते हैं, वो हम सबके बिहाफ पे चला जाए, तो इट्स अ पॉसिबल यू कैन डू डैट। तो वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं नॉर्मली होता और ना इसको रजिस्टर करवाना कानून के मंशा है। अब अगर जनरल पावर ऑफ अटर्नी है वो आप विद इन पाकिस्तान रहते हुए देंगे या आउट ऑफ पाकिस्तान इन्हें रहते हुए, वो आपको दोनों सूरतों में रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। अब पहले हम उसको स्पेशल को क्लियर कर ले, स्पेशल यानी वो पावर ऑफ अटर्नी जैसे कि मैंने कहा कि वो कहीं पे
विद इन पाकिस्तान अगर आप दे रहे हैं तो उसको रजिस्टर्ड करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट आप पावर ऑफ अटर्नी आप 500 के स्टाम्प पे या 1000 के स्टाम्प पे निकालते हैं तो उसको वो प्रॉपरली साइन होगा, उसमें दो विटनेस आ जाएंगे, उसके बाद मैक्सिमम उसको आप नोटराइज करवा लीजिए तो आप ये एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट हो गया। बट द इन द केस ऑफ जनरल पावर ऑफ अटर्नी इट रिक्वायर्स प्रॉपर रजिस्ट्रेशन, तो इसकी रजिस्ट्रेशन का जो मामला है वो अगर पाकिस्तान में रहते हुए आप किसी को देते हैं तो उसमें देने वाला जो है, यानी जिसको मैंने आपको बताया कि जो मैंने ये इख्तियार तफवीज़ कर रहा है एग्जीक्यूटेंट है, अगर वो पाकिस्तान में ही है तो फिर तो अम्बेसी से अटेस्टेशन और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की अटेस्टेशन नहीं चाहिए। तो फिर वो अगर दे रहा है अपने किसी सिबलिंग को, किसी ब्लड रिलेशन को, मतलब अपने ब्रदर को दे रहा है, अपने बेटे को दे रहा है, बहन को दे रहा है, भाई को, बाप को, तो वहाँ आपकी ये डॉक्यूमेंट बिफोर द सब रजिस्ट्रार रजिस्टर्ड ज़रूर होगा लेकिन इसके ऊपर जो कास्ट है वो नहीं आएगी, इस पे जो सिर्फ स्टाम्प की कास्ट आएगी, बाकी रजिस्ट्रेशन कास्ट जो है वो इसकी नहीं होगी। बट अगर वो किसी दूसरे बंदे को देता है, मतलब जिससे उसका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड कज़न भी हो सकता है, कोई आपका दोस्त भी हो सकता है, कोई इत्माद का बंदा, एनी पर्सन ही कैन बी और शी कैन बी, तो उस सूरत में आपको ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करवाना ही है, रजिस्टर्ड करवाए बिना वो यूज़ेबल नहीं है और उसके डॉक्यूमेंट बनाने का कोई पर्पज़ नहीं होगा अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होता तो। तो उस सूरत में ये रजिस्ट्रेशन की जो कास्ट है जो इन दिनों चल रही है वो 2% है, ठीक है, जो उसमें जो आपने प्रॉपर्टी मेंशन की है, जो प्रॉपर्टी आप ये देखे हुए प्रॉपर्टी की जब मैं बात करूँ तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसमें आपका घर प्लाट वो मतलब बंगलो बिल्डिंग वगैरह हो सकती है, तो उसकी जो मालियत है उसका 2% की बात कर रहा हूँ, उस वो उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होएगी जो इस वक्त नाफुजुल अमल है, ये चेंज भी होती रहती है या हो सकती है। तो ये अगर आप विद इन पाकिस्तान है तो आपको सिर्फ वो बना के तो वो उसको रजिस्टर करवाना है, लेकिन अगर आप आउट ऑफ पाकिस्तान है, ओवरसीज़ हैं, ओवरसीज़ रहते हुए अगर आप किसी को ये पावर ऑफ अटर्नी दे रहे हैं स्पेशल या जनरल, तो सबसे पहले आपको पाकिस्तानी एम्बेसी या पाकिस्तानी कौंसलेट वेर एवर यू आर रिजाइडिंग यू हैव टू गो देयर एंड यू हैव टू गो देयर पर्सनली विद टू विटनेसेस, वहाँ आप कौंसलर के सामने पेश होंगे, हर एम्बेसी का स्लाइड सा मतलब पाकिस्तान एम्बेसी जहाँ कहीं भी है, वो लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, कुछ बहरीन जहाँ जहाँ भी है उनका स्लाइड सा ऑलमोस्ट एक सही है उनका प्रोसेस स्लाइड चेंजेस, तो वो मेरे भैया आपको वहाँ से उसको अटेस्ट करवाना होएगा। अटेस्ट करवाने के लिए मैंने आपको बताया कि फिज़िकली जाना है, दो गवाहन भी होना ज़रूरी है, और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट आप वहाँ से अटेस्ट करवा के पाकिस्तान भेज देंगे, यहाँ पाकिस्तान आके भी वो रजिस्टर्ड होएगा, जी हाँ, यहाँ वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के ऑफिस से रजिस्टर्ड होगा। अगर आप समझते सिर्फ वहाँ से भेज दिया और यहाँ वो जो साहब हैं उसको ले जाएँ और वो यूज़ करें एट डिपार्टमेंटल फोरम बिफोर द रजिस्ट्रार आर एनीवेयर, तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो कहेंगे जाइए जनाब इसको आप ना मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के ऑफिस से अटेस्ट करवा के लाएं तो फिर ये यूज़ होगा। तो वो यानी वहाँ से तो अटेस्ट आप करवाएंगे ही और उसको साइन स्टम्प करके, तो यहाँ पाकिस्तान से वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से टेस्ट होने के बाद वो यूज़ेबल है, वो एक कम्प्लीट डॉक्यूमेंट बनता है, और फिर अगेन अगर वो जनरल पावर ऑफ अटर्नी है तो आपको उस प्रोसेस से गुजरना होगा जो मैंने आपको भी बताया कि उसमें रजिस्ट्रेशन होगी, अगर वो सगे बहन भाई को दिया है, ब्लड रिलेशन को दिया है, तो उसके ऊपर 2% फीस जनरल के पावर ऑफ अटर्नी के रजिस्ट्रेशन पे नहीं आएगी। बट इफ़ यू हैव गिवन टू सच अ पर्सन हु इज़ नॉट योर इन ब्लड रिलेशन तो देन यू हैव टू पे 2% स्टाम्प आर रजिस्ट्रेशन फीस। तो ये उसकी कास्ट भी मैंने आपको बता दी, रजिस्ट्रेशन भी बता दी और उस दोनों का स्कोप भी बता दिया।
हाँ, अब इसमें जो एक अहम बात है वो ये है कि इसको रिवोक करवाने का जो है सिलसिला, कि ये कितनी देर के लिए वैलिड होता है और इसको रिवोक करवाने का क्या प्रोसेस है, तो ये मेरे से ऑलरेडी एक वीडियो लेंथ ही हो चुकी है। तो आई थिंक ये रेवोकेशन का प्रोसेस भी रजिस्ट्रेशन की तरह एक थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, तो वो हम इसकी सेकंड फेज़ में या नेक्स्ट वीडियो में इसको रखेंगे। इसके साथ कुछ और भी वो माइनर वो क्वेश्चन हैं जो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाए। नॉर्मल ये होता है कि अगर मेरी क्वेश्चन होती है कि एक वीडियो में सारे के सारे ना लेके चलें, ताकि वो इतनी लेंथी ना हो कि आप बोर ना हो जाएं वीडियो को देखते देखते, तो इस अगले क्वेश्चंस के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा पावर ऑफ अटॉर्नी पे, जो इसका सेकंड फेज होएगा। तो आज तक की वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको जो इसका जनरल कंसेप्ट है और इसकी जो यानी वो बेसिक्स हैं, इसके जो कंटेंट्स हैं, वो मैंने आपको बताने की एफर्ट की है। तो होपफुली इट विल गिव यू अ जनरल एनालिसिस ऑफ दी पावर ऑफ अटॉर्नी। तो मिलते हैं इसके फेज़ टू के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना दोस्तों सबका ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़।